नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह को आज पूरे राजकीय सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस मौके पर मौजूद लोग भारत माता की जय और शहीद धर्मेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। धर्मेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा रविवार प्रातः 8 बजे रिद्धि सिद्धि नगर स्थित उनके निवास से प्रारंभ हुई। रास्ते में जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और उन्हें अंतिम विदाई दी। नगर में मुख्य मार्गों से होती हुई उनकी अंतिम यात्रा त्रिवेणी मुक्ति धाम पर पहुंची, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की रस्म अदा की। इस दौरान आर्मी और नौसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सेना के जवानों द्वारा उन्हें अंतिम सलामी दी गई। मुक्ति धाम पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम एकत्रित था। राज्य शासन की ओर से प्रभारी मंत्री सचिन यादव, रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सेलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, सांसद एवं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, भाजपा प्रत्याशी जीएस डामोर, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी, डीआईजी गौरव राजपूत आदि अनेक गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में आम नागरिक, महिलाएं और युवा शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित थे। मुक्ति धाम पर श्री धर्मेंद्र सिंह के भाई प्रदीप सिंह ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। शहीद धर्मेंद्र सिंह की मां टमा कुंवर तथा उनकी पत्नी और बहन भी मुक्ति धाम पर मौजूद थी। मां ने भी सैल्यूट कर अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई दी।